केवल डेढ़ कविता कहूंगा, एक अपनी फिर चौथाई अपनी और चौथाई नरेंद्र मिश्री की। इनको भी याद नहीं होगा मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, पढ़ने के बाद भी शायद याद करेंगे। हम दोनों ने 56-57 में जैन कॉलेज बड़ौद मेरठ से साथ साथ एक ही कक्षा में बैठकर बीए पास किया। हम दोनों सहपाठी हैं। मैं उनकी कविता से ही शुरू करना चाहता हूँ। उस समय 56-57 की स्वारिका में उनकी कविताएं छपी। एक तो तांत्या टोपे सेनानी नाम से छपी, मुझे नहीं पता उन्होंने बाद में उसे कहीं संकलित किया कि नहीं, वो नहीं पढ़ूंगा। तो छोटी छोटी मुक्तक जैसी चीजें पढ़ रहा हूँ। कविता का जन्म कैसे होता है, ये नरेंद्र मिश्र की कविता पढ़ रहा हूँ अपने साथ। वो बोलते हैं, निशा जब मौन होती है सपन जब रूठ जाते हैं। 56-57 निशा जब मौन होती है सपन जब रूठ जाते हैं, किसी भूले स्वजन की जब हृदय को याद आती है, व्यथा सोई जलन को प्यार से जब गुदगुदाती है, तभी कवि के हृदय से कामिनी कविता निकलती है। ऐसी उनकी और उन्हीं की है मेरी नहीं। जलती क्षमा पर शलभ का जाना तो संभव है, जलती क्षमा पर शलभ का जाना तो संभव है, मगर जो बुझ गई उस तक कभी जाना असंभव है। हमें तेरी तरह सुंदर कोई मिल जाए संभव है, पर प्यार तुझे कवि के हृदय का मिलना असंभव। बहुत सुख दुख साथ साथ झेले, इसलिए मैंने उनकी कविताओं से ही अपनी वाणी को व्यक्त किया। चार पंक्तियां इस विषय में पढ़ता हूं। मंचों की हम क्या करें, मंचों की दुर्दशा जो आज है उस पर टिप्पणी नहीं करता, बस इतना ही समझ लीजिएगा। बोलो बड़ी विकट स्थिति, आज तो बड़ा श्रेष्ठ कार्यक्रम है, बड़े बड़े लोग यहाँ, अगर ये मनोज जी यहाँ हैं जिनके नेतृत्व में विश्व हिंदी सम्मेलन में हम अमेरिका गए, आर्य जी यहाँ हैं जिन्होंने अमेरिका से हमें सीधा आकाशवाणी पर प्रसारित कर दिया था, तो बड़ा एक सौभाग्य है। मैं आज के मंचों की दुर्दशा में हम कहाँ खड़े हैं वहां चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। बोलो बोलो हे प्यारे श्रोताओं, गीत कौन सा गाएं हम, कितने घटियापन पर उतरे जो सबके मन को भाए हम। कुल वधुओं के सपने लेकर कविता आ गई सभाओं में, कुल वधुओं के सपने लेकर कविता आ गई सभाओं में, लेकिन मुजरे वाली पाई समझा कर निकालू, मुजरे वाली तुलसी ने था आशीष दिया कविता को, तुलसी ने था आशीष दिया आश्वासन सूर कबीरा ने, ये ऋषियों वाला देश सभी समझाया इसको पीरा ने। लेकिन अनुभव कुछ और रहा, हर दिशे फुहर माहौल मिला, और लफाजी और चुटकलों का मंचों पर ज्यादा मोल मिला, ज्यादा मोल मिला। खुदकशी तलक तैयार हुई कैसे इसको समझाए हम, इतने घटिया पर उतरे जो सबके मन को भाए हैं। बोलो हे प्यारे श्रोताओं, गीत कौन सा गाए हैं, और अपनी ओर से ये दोहरे अर्थों वाली भाषाई नौटंकी नाटकबाजी, ये दोहरे अर्थों वाली भाषा ये नौटंकी नाटकबाजी आसानी से कर सकते हैं हम भी हल्की भाषणबाजी, आसानी से कर सकते हैं हम भी हल्की भाषणबाजी, पर हमें रोकती परंपरा दिनकर प्रसाद और वचन की, हमें रोकती दिनकर प्रसाद और बच्चन की, वो गीत महादेवी वाले भविता सुमित्रा नंदन की, संस्कार भवानी भाई के, उज्ज्वलता जोहर चाला की, और हर बार चौक देती हमको वो पावन कसम दिलाला। सीने पर धरकर हाथ कहो, सीने पर धरकर हाथ कहो, क्या इन सबको ठुकराए हम, फिर कितने घटियापन पर उतरे जो सबके मन को भाए हम। बोलो हे प्यारे श्रोताओ, एक रचना पढ़ रहा हूं जिसमें चित्तौड़ का भी आएगा थोड़ा अंश, नए विषयों पर लिखने का प्रयत्न किया, बस एक आधे मिनट की भूमिका इतनी सी। ग्वालियर चाहिए, महारानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा जिस नाले को नहीं कूद सका था, 35 वर्ष पहले मैं और कृष्ण मित्र वहां गए थे।
और विजयाराजे जी सिंधिया थी, उन्होंने अपने महलों में किसी कार्यक्रम में हम दोनों को रखा। उस समय नाले में पानी था, 2 वर्ष पहले मैं गया, नाले में सीमेंट हो गया, पानी नहीं था। मैंने सोचा वहीं बैठकर इस नाले के पार अगर कूद जाता हो उसका घोड़ा तो क्या होता, इतिहास दूसरा होता। लेकिन यही तो वो घोड़ा नहीं कर सका, नाला नहीं कूद सका। मैंने वहीं बैठकर रचना लिखी, उसी शाम सुनाई। इतना बड़ा आयोजन वहाँ पर होता है, 15-20-30 हज़ार लोग से भी ज़्यादा बैठते हैं, 15-16 साल की बच्चियाँ घोड़ों पर बैठकर आती हैं, 30-35 की संख्या में बहुत तेजी से घोड़े दौड़ाती हैं, युद्ध का सचमुच का दृश्य दिखाई देता है। लक्ष्मी बाई के साथ वहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, लक्ष्मी बाई के खून सने वस्त्र दिखाए जाते हैं, शस्त्र दिखाए जाते हैं जिन जिनको पहन करके वो लड़ी उनके साथ लड़ी। उस कार्यक्रम में मैंने जिस रचना को वहीं लिखा और वहीं पढ़ा, उस दिन को आपको पढ़ाऊँ, काश वो खोला स्वागत जाता उस नाले में। इस कविता की चोरी भी हुई इसलिए बोल कर जा रहा हूँ, बहुत लोगों ने पढ़ दिया, मेरी उपस्थिति में पढ़ दिया और जो कि क्यों पढ़ दिया भाई लोगों ने मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे यहाँ सुना कर पाएगी विशेषता है। उस घोड़े के प्रति देखिएगा, वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मी बाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी। घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मी बाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के, तू एक उछाल हुमक भरता नाले के पार कर जाता, घोड़े बस इतना कर जाता चाहे अगले पर मर जाता, वो घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मी बाई मर्दानी। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? केवल महारानी नहीं थी। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? घोड़े तू शायद भूल गया भावी इतिहास पीठ पर था। घोड़े तू शायद भूल गया भावी इतिहास पीठ पर था, ये अश्व काश समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ कर रही सवार थी, साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी, ये अश्व काश समझा होगा वो घड़ी युगों पर भारी थी। ये घड़ी युगों पर भारी थी, तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता, घोड़े बस इतना कर जाता नाले के पार कर जाता चाहे गले पर मर जाता। मैंने चित्तौड़ से जोड़ा ये अश्व, काश उस दिन तूने चेतक को याद किया हो। ये अश्व, काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता और नाले पर ठिठके पांवों में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही छिटका था, अंतर भी बताऊ, चेतक भी यूं ही छिटका था, राणा सरदार पीठ पर थे था लहू लुहान थका हरा बेवाड़ी ताज पीठ पर था, लहू लुहान थका हरा बेवाड़ी ताज पीठ पर था, लेकिन नाले के पार कूदने का चेतक ने सांस नहीं तोड़ा, नाले के पार कूदने का चेतक ने सांस नहीं तोड़ी और मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी, स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ा, स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। तू एक उछाल हुमक भरता तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य संवर जाता, भारत का भाग्य संवर जाता, हे अश्व काश उस दिन तूने नाले पर क्यों पार किया होता चाहे अगले पल मर जाता, वो घोड़े समर भवानी की, लक्ष्मी बाई मर्दानी की। अंतिम वर्ष देखिए, जो होना था हो गया मगर वो कसक आज तक मन में है, जो होना था हो गया मगर वो कसक आज तक मन में है, तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है, तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। हे नाले तू ही कुछ करता, हे नाले तू ही कुछ करता, निज पानी सोख लिया हो
होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनबल को रोक लिया होता। वाह वाह वाह, तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते, तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते, तेरे जल के छींटे लेकर हम अपने तन पावन करते, तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार कर जाता, चाहे गले पर मर जाता, वो घोड़े समर भवानी की लक्ष्मी बाई मर्दानी के, तू चुप गया लिखते लिखते उस पर नया मर था।